नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। रूस यूक्रेन जंग को 900 से अधिक दिन हो चुके हैं। यूक्रेन पिछले दो हफ्ते से दावा कर रहा है कि उसने रूस के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इधर पुतिन ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसके बाद से जेलेंस्की और बाइडेन सर पकड़कर बैठ गए हैं। पुतिन एक बार फिर से हारी बाजी जीतना शुरू करती है। देखिए रिपोर्ट। कुरान युद्ध क्षेत्र में पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जरा ये 14 सेकंड का वीडियो देखिए। राष्ट्रपति पुतिन चेचेनिया में पवित्र इस्लामी पुस्तक कुरान को चूम रहे हैं। पुतिन के इस वीडियो ने रूस के दुश्मनों को जहां बुरी तरह से भ्रमित कर दिया है, तो वहीं अरब और मुस्लिम वर्ल्ड को पुतिन ने संदेश दे दिया है कि मुस्लिम देश रूस के साथ है और रूस मुस्लिम देशों के साथ है। युद्ध क्षेत्र में पुतिन अब जंग की वो बाजी खेलने जा रहे हैं जो अमेरिका, यूक्रेन और इजराइल के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भारी साबित होगी। हम आपको इस खबर की पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन का रूस यूक्रेन जंग में किस खतरों से जूझ रहा है। तबाह होगा यूक्रेन, पुतिन के साथ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम देशों से पुतिन की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। रूस के साथ चेचेनिया के लड़ाके जंग में जमकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। खासतौर से कमांडर रमजान कादिरव के इशारे पर यूक्रेन पर भीषण हमले हो रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के 900 दिन बाद अचानक यूक्रेन ने पिछले दो सप्ताह में रूस के 1263 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने रूस के अब तक 6 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। जेलेंस्की लगातार टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस के कुर्स्क पर पूरी तरह से यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस के हजारों सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे हालात में पुतिन ने वो मास्टर स्ट्रोक खेला है जो यूरोप से लेकर अरब तक यूक्रेन, अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। जरा इसे समझ लीजिए कैसे। कुरान को चूमना, पुतिन का मास्टर स्ट्रोक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 13 साल बाद चेचेनिया गए हैं। चेचेनिया के ग्रोजनी में नवनिर्मित पैगंबर जीसस मस्जिद में रूसी राष्ट्रपति पहुंचे। इस दौरान उन्हें पवित्र कुरान की एक स्वर्ण जड़ित कॉपी भेंट की गई, जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने तुरंत चूम लिया। पुतिन के साथ वीडियो में चेचेनिया रिपब्लिक के हेड रमजान कादिरव और चेचेनिया के सुप्रीम मुफ्ती साला मेजियेव भी मौजूद थे। 14 सेकंड के इस वीडियो के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम देश अमेरिका और इसराइल के खौफ से दूर हो। गजा युद्ध में मुस्लिम दुनिया अमेरिका और इसराइल की आक्रामकता का खुलकर विरोध करे। वो चाहते हैं कि ईरान और हिजबुल्ला जैसे संगठन इसराइल के भीषण हमलों से बचें। पुतिन चाहते हैं कि जब ईरान इसराइल पर बड़ा हमला करे तो अरब देश इसराइल के पक्ष में ना खड़े हों। मुस्लिम देश रूस के साथ जंग में पूरी तरह से एकजुट हो। कुरान को चूमना पुतिन का साफ संदेश है कि रूस जंग के मैदान में मुस्लिम देशों के साथ है। पुतिन के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक तरफ यूक्रेन बेहद भयानक हमले रूस पर कर रहा है,
तो वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम चरमपंथी संगठनों के लड़ाके यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला करने में जुटे हैं। यानी ऐसे में पुतिन को दुनिया में दबदबा बढ़ाने के लिए ईरान, लेबनान, सीरिया और अरब देशों से जबरदस्त समर्थन की उम्मीद है। पुतिन की जंगी रणनीति का असर दिखना भी शुरू हो गया है। जरा देखिए, जो सऊदी अरब इजराइल और अमेरिका का साथ देने का वादा कर रहा था, वो अब कैसे घबरा रहा है। अमेरिकी ऑनलाइन समाचार पत्रिका पॉलिटिको ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ कह दिया है कि वो गजा युद्ध और हिजबुल्ला युद्ध में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं दे सकते हैं। अगर वो इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे तो चरमपंथी उनकी हत्या कर सकते हैं। अमेरिकी ऑनलाइन समाचार पत्रिका पॉलिटिको ने खुलासा किया है कि सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने कांग्रेस के सदस्यों से कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़े समझौते पर आगे बढ़कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसमें सऊदी इजराइल संबंधों को सामान्य बनाना भी शामिल है। प्रिंस सलमान ने साफ कहा कि अगर बातचीत में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी तो उनकी हत्या हो सकती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गजा जंग और रूस यूक्रेन जंग में कैसे मुस्लिम देश तेजी से अमेरिका और इजराइल से दूरी बना रहे हैं। इस घटना से साबित होता है कि पुतिन अब मुस्लिम देशों की सेना और उनके चरमपंथी लड़ाकों को एकजुट करके अमेरिका और नेटो की कमर तोड़ देना चाहते हैं। अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर जबरदस्त हमला करने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के हवाई हमले का है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना और हथियारों पर सीधा आत्मघाती हमला कर रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके और भीषण धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ ऊपर करके यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है। यूक्रेन के जबरदस्त हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया है। ये वीडियो यूक्रेन का है, जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है। सुपरमार्केट जलकर राख हो गया। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी सेना में हड़कंप मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोशिश में है कि किसी तरह से जंग को रोका जा सके। पोलैंड और यूक्रेन के दौरे के बाद पीएम मोदी के दौरे का क्या असर होता है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत चाहता है कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री का संदेश तो सीधा है कि भाई आप लोगों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाना चाहिए इस बात को, शांति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, यही एक सबसे बड़ा मैसेज है। इधर अगस्त के दो हफ्तों में रूसी सेना पर जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने हमला किया है, उसमें यूक्रेनी सेना ने अपने लड़ाकू विमानों का जमकर इस्तेमाल किया है। रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में भयंकर हवाई हमला करते हुए इन्हीं यूक्रेनी फाइटर जेट ने रूसी सेना में हड़कंप मचा दिया था। 6 अगस्त के बाद 8 अगस्त को यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला रूस पर किया था। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया था। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस के एयरबेस को उड़ाया था। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस एयरबेस को भारी नुकसान हुआ था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस के एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हुए, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हुए। हैरानी की बात तो ये कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया था। दावा तो यहाँ तक किया गया कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो गए थे। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस के एयरबेस में इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए। захищати свої інтереси та свою незалежність. हार कर भी जीत रहा है रूस। इस दावे में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रूसी सेना ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं।
ये वीडियो फुटेज रूस के चेचन गणराज्य के नेता रमजान कादिरोव ने जारी किया था, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने अपने कुर्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को बुरी तरह से मारा है। दावा किया गया है कि यूक्रेनी सेना पर चेचन बटालियन अखमत ने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर हमला किया है। बॉडी कैमरे से इसी तरह की फुटेज टेलीग्राम चैनलों पर प्रसारित की जा रही थी। इस फुटेज में त्रिकोण चिन्ह, एक सैन्य वाहन और यूक्रेनी वर्दी में कई लाशें दिखाई दे रही हैं। हालांकि रॉयटर्स इस वीडियो की तारीख सत्यापित नहीं कर पाया है। इधर रूसी सेना ने धमाकेदार दावा किया है कि बुधवार की रात से रूस ने यूक्रेन के 117 ड्रोनों को तबाह कर डाला है। इसमें से ज्यादातर कुर्स्क, वॉरिनिश, बेलगोरोड और निजनी नोवगोरोड क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी मिसाइलें काफी बड़ी संख्या में तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के सुखोई SU-34 बमवर्षकों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले होते हुए देखे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि यूक्रेन के कुछ ड्रोन ने रूसी हवाई अड्डों पर हमला किया। रूस के नेशनल गार्ड ने कहा कि कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर भीषण जंग चल रही है। हालांकि अभी तक यही लग रहा था कि यूक्रेन रूस को जंग में आसानी से हरा सकता है, लेकिन एक और मोर्चे पर लड़ाई शुरू करने से यूक्रेन की सेना बढ़ गई है। इससे यूक्रेन की अपनी रक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ने लगा है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये जीत कम समय के लिए है और हार में बदल सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि रूस अपने दूसरे विश्व युद्ध की रणनीति अपना रहा है। उसकी ये रणनीति रही है कि वो पहले दुश्मन को अंदर आने देता है और फिर घेर कर हमला करता है। इस वजह से यूक्रेन का कुर्स्क अभियान जेलेंस्की के लिए उल्टा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर पुतिन ने जिस तरह से रूस को मुस्लिम देशों का लीडर साबित करने की कोशिश की है, उससे साबित होता है कि रूस एक तीर से दो निशाने एक साथ कर रहा है। पहला, यूक्रेन के चार इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा, और दूसरा, अमेरिका, इसराइल और नेटो के खिलाफ मुस्लिम देशों को जंग में एकजुट करना।